नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गजानन एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, हमने हमारे एक पिछले एक वीडियो में हमने मोबाइल को लेकर के चार्जिंग पॉइंट को कि भाई मोबाइल का चार्जिंग पॉइंट कहाँ हो, ऐप से आपके मोबाइल का, आपके इंटरनेट का, आपके बिजनेस का, आपके चार्जिंग पॉइंट का क्या संबंध है। आज हम बात करेंगे मित्रों आपके घर का, आपके बिजनेस का मोबाइल राउटर कहाँ होना चाहिए, डीटीएच कहाँ होना चाहिए, पावर बैंक्स जो सपोर्ट सिस्टम है वो आप किस दिशा में रखें ताकि आपका बिजनेस ग्रोथ हो, ताकि आपको लाभ हो, ताकि आप किसी तरह के नुकसान से बच सके। नुकसान बिल्कुल मतलब नहीं हो, ये तो संभव नहीं है, बट उसमें कमी आ सके। स्वागत है मित्रों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गजानन एस्ट्रोलॉजी में। सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। नीचे आप देख सकते हैं रेड कलर का बॉक्स है, सब्सक्राइब उसको दबाइएगा, उसके पास में बेल आइकन है तो आपको हर समय पर हमारा जो भी ज्ञान है, जो भी नॉलेज हमारे पास है, हम उसको आप तक अवश्य पहुंचाएंगे। इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप उस ज्ञान को आप भी हासिल कर सकते हैं और लोगों का भला कर सकते हैं। आइए मित्रों बात करते हैं, स्वागत है आप सभी का गजानन एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे कि आपका मोबाइल, मित्रों मोबाइल आज ऐसी चीज़ बन गई है कि उसके बिना व्यक्ति का वो कल्पना भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता कि उसके पास मोबाइल नहीं हो। और जब से ये सस्ते इंटरनेट प्लान्स आए हैं, सस्ते कंपनी आई हैं, तब से इन्होंने मार्केट में एक भूचाल ला दिया है। इवन ए रिक्शा वाला, एक ऑटो चलाने वाले के उसका फेसबुक में आपको अकाउंट मिलेगा, उसको उसके पास व्हाट्सएप मिलेगा। और आजकल तो कितने मतलब बिजनेस आप सब जानते हैं ऑनलाइन हो चुके हैं। मैं ये कहना गलत नहीं होगा कि 40-50% बिजनेस आज, इवन 60% बिजनेस आज ऑनलाइन हो रहा है। तो इस ऑनलाइन होते हुए बिजनेस में इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, यदि आप मान लीजिए यदि आप मोबाइल चला रहे हैं, आपके पास मोबाइल है, तो इस मोबाइल की वैल्यू कब है? एक तो इस मोबाइल की वैल्यू हुई इसकी चार्जिंग से, चार्जिंग ना हो तो क्या मतलब, तो चार्जिंग कहाँ हो, कैसे हो, इसका पॉइंट क्या हो, ये हमने हमारे एक वीडियो में शेयर किया था। अब हम बात करेंगे यदि आपके घर में या आपके बिजनेस एरिया में आपका मोबाइल राउटर कहाँ पर हो, आपके पावर बैंक्स कहाँ पर हो, आपका डीटीएच कहाँ पर हो, ये हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मित्रों पावर बैंक्स की। पावर बैंक का मतलब क्या हुआ, पावर बैंक क्या है? पावर बैंक आपका एक सपोर्ट सिस्टम है आपके बैकअप के लिए, पावर आपको बैकअप दे कि भाई आप कहीं जा रहे हैं, मोबाइल जल्दी से डिस्चार्ज ना हो जाए तो आपने तुरंत उस पावर बैंक को कनेक्ट किया आपके मोबाइल के अंदर पावर। तो ये पावर कनेक्टिविटी का एक साधन है, पावर कनेक्टिविटी का, है ना। तो इसको घर में जब आप पावर बैंक्स लगाएं, पावर बैकअप के लिए लगाएं, तो मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू आवर रिसर्च वी हैव फाउंड दैट कीपिंग द पावर बैंक्स ऑन नॉर्थ वेस्ट, आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में पावर बैंक्स को लगाइएगा। नॉर्थ वेस्ट यानी नॉर्थ और पश्चिम, उस दिशा में आप अपने पावर बैंक्स को लगाइएगा तो निश्चिंत आपके यहाँ पर मतलब कभी कभी ऐसे होता है ना, हम अच्छे महंगे से महंगे ब्रांडेड कंपनी के भी लिए आते हैं बट वो चलते नहीं है पावर, उसमें कहते हैं कि 13,000, 14,000, 20,000 mAh की बैकअप रहेगी बट उतना आपको मिलता नहीं है। या फिर आप अपने मोबाइल को उसमें उससे चार्ज करते हैं, मोबाइल आपका जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, फिर आपको उसमें चार्ज करना पड़ता। तो इसकी लाइफ बढ़े इसके लिए आप अपने जो बैकअप, आपके बैकअप का जो प्रोडक्ट है जिसको हम पावर बैंक्स कहते हैं, आप उसको नॉर्थ वेस्ट में लगाइएगा। यदि आपने साउथ या साउथ वेस्ट में मान लीजिए अपने पावर बैंक्स लगा रखे हैं, तो मान के चलिए वो आपके फेल होने हैं, काम कर नहीं करेंगे। और यदि आपने ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में अपने पावर बैंक्स को लगा करके रखे हैं, आप रात में मान लीजिए इन डायरेक्शन में उनको चार्ज करते हैं पावर बैंक्स को, तो आप उनके ऊपर ही डिपेंडेंट रहेंगे, ये पक्की बात है। यदि आपने उनको नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट में आपने उसको रखा है, तो ये हुई बात मित्रों पावर बैंक्स की। अब हम बात करते हैं एक सबसे इम्पोर्टेंट, जहाँ से हमारा मोबाइल चलता है, मुझे लगता है मोबाइल नहीं, आज की दुनिया जहाँ से चल रही है, एंड दैट इज़ वाईफाई या वाईफाई राउटर। कहीं कहीं मित्रों
वाईफाई का मतलब क्या हुआ, ये तो कनेक्टिविटी का एम्पलीफायर हुआ, कनेक्टिविटी का एक साधन है। मतलब यदि मान लीजिए वाईफाई आपके यहाँ मोबाइल है, सब कुछ है और इसमें इंटरनेट ना हो, तो अभी हमने बात की कि पावर बैंक, पावर बैंक खूब ऐसा, उसमें चार्जिंग बहुत सारा है, उसमें मतलब कभी डिस्चार्ज भी हो जाए तो हम उसको फिर बैकअप कर सकते हैं। बट ये सब डिस्चार्ज होने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको मोबाइल डाटा चाहिए या फिर आपको वाईफाई चाहिए। अब वाईफाई का वास्तु से बहुत गहरा संबंध है मित्रों। यदि आप अपने वाईफाई रूटर को, मान लीजिए मैं पहले, हम बड़ी बात करेंगे उसके बाद हम छोटे लेवल की इसकी बात करेंगे। बड़ी बात यह हुई कि मान लीजिए आपका बहुत बड़ा बिजनेस है जो इंटरनेट से चलता है, जो वाईफाई से चलता है या फिर लैंड नेटवर्किंग से चलता है, तो आप अपने उस ऑफिस में कई बार हमने ऐसे देखने को मिलता, हम जहाँ मतलब बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में हम जहाँ वास्तु देखने के लिए जाते हैं, लोग हमसे शिकायत करते हैं, मतलब उनके जो सीईओ होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, डिप्यूटी मैनेजर्स होते हैं, वो कहते हैं महाराज जी हमारी हमारे स्टाफ के साथ नहीं बन रही है, हम स्टाफ को इतना काम देते हैं उसको करते नहीं हैं, छुट्टी ले लेते हैं, पगार समय से पहले मांगते हैं या कंपनी छोड़ने की धमकी देते हैं। तो ऐसे स्टाफ का और मैनेजर से जो समस्या आती है, और मैं ऐसी जगह बात कर रहा हूँ, ये मतलब इन जनरल, मतलब जहाँ ये मुख्य रूप से ये समस्या ऐसी जगह जहाँ उस कंपनी का काम इंटरनेट से होता है या वाईफाई से होता है, मतलब इंटरनेट से जहाँ वाईफाई रूटर है तो पक्का आप मान के चलिए कहीं ना कहीं उस कंपनी का रूटर आपने, वाईफाई जो है रूटर है उसको साउथ या साउथ वेस्ट में आपने उसको रखा होगा। तो इस गलती को आप तुरंत सुधार कर लीजिए। यदि आपकी मैनेजर के साथ, स्टाफ की मैनेजर से नहीं बन रही है, मतलब शर्त उसमें यह है कि यदि आपका बिजनेस इंटरनेट से ज़्यादा नेटवर्किंग से, मतलब आपने डाटा आपने ट्रांसफ़र करना है, आप कोई बहुत बड़े मतलब कॉल सेंटर जैसे होते हैं कि भाई बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है उनका डाटा आपने ये करना है, वेबसाइट बनाती है, मतलब जहाँ 24 घंटे इंटरनेट का काम होता है, ऐसी जगह आप अपने वाईफाई रूटर को या जो वाईफाई का मेन जो सोर्स होता है उसको आप साउथ वेस्ट से निकाल दें। यदि आपके स्टाफ के साथ प्रॉब्लम है उसको आप निकाल करके फॉरन वेस्ट दिशा में लगा दें, तो आपका जो स्टाफ के साथ प्रॉब्लम है उसको हट जाएगा। घर के लिए, आपके अपार्टमेंट के लिए, बिजनेस एरिया के लिए, छोटा भी बिजनेस हो तो आप अपने वाईफाई रूटर को वेस्ट में ही रखा करें, क्योंकि वेस्ट जो होता है वो एयर का स्थान होता है, हवा का स्थान होता है, तो उससे ये होता है कि उस एयर के साथ वेस्ट की, ईस्ट की हवा को हम, एयर को, एनर्जी को हम सबसे अच्छा मानते हैं अकॉर्डिंग वास्तु, साइंटिफिक वास्तु। तो उस हवा के साथ, उस एयर के साथ कुछ पॉजिटिव एनर्जी भी आती है जो उस वाईफाई के अंदर, सिग्नल के अंदर हो करके हमारे जो काम होता है उसके अंदर फैलती हैं। तो यदि अच्छी एनर्जी आएगी तो आपका स्टाफ अच्छा काम करेगा, यदि आपने उसको गलत दिशा में रखा है तो स्टाफ का आपसे अनबन होगी। तो ये हुआ। और एक एक और हम बात करेंगे डीटीएच के लिए। डीटीएच यानी डिजिटल, जो डिजिटल ट्रांसमिशन, मतलब डिजिटल का मतलब आपका जो एंटीना होता है, ये एक ऐसा सिस्टम है कि यहाँ से आप, एंटीना का मतलब सिग्नल देना नहीं, सिग्नल रिसीव करना, मतलब बाहर से सैटेलाइट से एंटीना को सिग्नल रिसीव करने होते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है, कोई आपने बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल खोला हुआ है, कोई आपने बहुत बड़ा जनरली कोई टीवी चैनल खोला हुआ है जो सिग्नल रिसीविंग का काम करता है, यदि वो आपका डीटीएच आपके घर पर सही दिशा में नहीं लगा हुआ है, या तो डीटीएच या मोबाइल या जो टावर्स होते हैं जहाँ से सिग्नल रिसीव, वो भी अगर सही दिशा में नहीं है, तो निश्चित आप ये मान के चलिए कि आपका न्यूज़ चैनल है या आपका कोई भी प्रकार का टीवी चैनल है, आध्यात्मिक कैसे भी हो सकता है, वो फेल होना है। यदि आप चाहते हैं कि आपका डीटीएच कौन सी दिशा में सही हो, आप उसको वेस्ट दिशा में लगा सकते हैं। वेस्ट दिशा में लगा हुआ टावर, वेस्ट दिशा में लगा हुआ डीटीएच एनर्जी को फ्लो करता है, उससे आपके बिजनेस में जो डीटीएच से रिलेटेड बिजनेस है उनके लिए ठीक रहेगा। जो ये केबल का भी काम करते हैं, कहीं मतलब बस्ती बस्ती में होते हैं, जैसे 200-500 हज़ार घरों के केबल वाले होते हैं, तो ये आपको भी यदि सिग्नल उनसे लेना है तो आप अपने डीटीएच को आप वेस्ट डायरेक्शन में लगाइए। तो ये था मित्रों वाईफाई,
मोबाइल पावर बैंक्स और डीटीएच को लेकर के हमारा एक डिजिटल वास्तु का दो एपिसोड, पिछला एपिसोड था चार्जिंग पॉइंट कहाँ हो, मोबाइल ऐप्स कैसे हो, उनसे अपने बिजनेस को हम कैसे बढ़ाएं। आज का वीडियो ये अभी का ये वीडियो था कि आपका वाईफाई रूटर कहाँ हो, आपके पावर बैंक्स कहाँ लगे, आपका डीटीएच कहाँ हो। ये मित्रों दो एपिसोड का हमने मिला करके एक कंबाइंड करके हमने इसको किया है, इसको नाम दिया हमने डिजिटल वास्तु। मित्रों इस डिजिटल वास्तु के दो वीडियोस को आप अपना करके आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, आनंदमय बना सकते हैं। तो ये था हमारे दो विशेष आज का वीडियो, जिसको हमने टाइटल दिया था वेयर शुड बी योर वाईफाई रूटर, वेयर शुड बी योर पावर बैंक्स, वेयर शुड बी योर डीटीएच। तो मित्रों आप हमारे चैनल गजानन एस्ट्रोलॉजी को अवश्य शेयर कीजिए, अवश्य इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक ही नहीं यह ज्ञान सीमित न रहे, सब तक बढ़ सके और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबको इस दैवीय विज्ञान का साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक इस चीज को, परंपरा को, सभी को इसको लाभ हो। पुनः आप सभी के लिए यह डिजिटल वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड मंगलमय हो, आनंदमय हो, ऐसी कामना के साथ नमस्कार।